वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि यहाँ पे जो लुमॉव है वो चुबकोव के घर आता है उसकी बेटी नतालिया को प्रपोज करने के लिए, पर यहाँ पे नतालिया और लुमॉव के बीच में लड़ाई हो जाती है इस टॉपिक को लेकर कि जो ऑक्सिन मेडियस की लैंड है वो किसकी है। अब दोस्तों, वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि चुबकोव और नतालिया मिलकर लुमॉव को बहुत ज्यादा कर्स करते हैं, उसको एब्यूज करते हैं, और जो लुमॉव है वो घर छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो जाता है और जैसे ही नतालिया को पता चलता है कि लुमॉव रियलिटी में उसको प्रपोज करने आया था, यहाँ पे जो नतालिया उसको बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगती है और फिर अपने फादर चुबकोव कहती है कि लुमॉव को वापस लेकर आओ। अब दोस्तों, यहाँ पे जो चुबकोव है वो लुमॉव को वापस तो ले आया है और उसने कहा है कि अब वो इस झगड़े पर नहीं पड़ने वाला, वो वहां से जा रहा है, वो खुद को बहुत ही अनलकी कंसिडर कर रहा है। अब यहाँ पे लुमॉव और नतालिया के बीच में दोबारा से क्या बात होगी, हम इसी चीज को स्टडी करने वाले। तो देखिए दोस्तों, वो जो लुमॉव है, वो लुमॉव दोस्तों अब एंटर कर गया और फिर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड वो फील कर रहा है ना दोस्तों, क्योंकि उसको जहां से भगाया गया था वहीं पर वो वापस आया है, वापस बुलाया गया है, तो वो एग्जॉस्टेड है। माय हार्ट्स पैल्पिटेटिंग ऑफुली, माय फुट्स गॉन टू स्लीप, देयर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माय साइड। कि यहाँ पे लुमॉव अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स उसको फेस कर रहा है वो सारी बताता है कि मेरा जो हार्ट है, मेरी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरा जो फुट है, मेरे पैर बिल्कुल ऐसा लग रहे हैं कि सो गए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बहुत ही पीछे की तरफ खींच रहा है। तो मतलब कि जो भी उसको प्रॉब्लम्स दोस्तों हमने पहले डिस्कस करी है, वो सारी प्रॉब्लम्स एक साथ उसके साथ हो रही है। नतालिया क्या कहती है, फॉरगिव अस इवान वासिलोविच, वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड, आई रिमेंबर नाउ, ऑक्सिन मेडोज आर रियली योर्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नतालिया है वो फाइनली कहती है कि हमें माफ कर दो, हम सारे बहुत ज्यादा हीटेड थे, मतलब कि तुम्हें फालतू में गुस्सा कर रहे थे, अब मुझे याद आ चुका है कि जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो तो सच में तुम्हारे ही हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक जो नताले है वो इस बेसिस पर कितना ज्यादा लड़ रही थी कि ऑक्सिन मेडोज उसके हैं, और अब क्योंकि उसको पता चला कि यहाँ पे जो लुमॉव है वो उसको प्रपोज करने आया था, उसने अपना पूरा स्टांस चेंज कर दिया है और वो कह रही है कि हाँ, मुझे याद आ गया है कि जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो तुम्हारे हैं। अब देखिए जो लुमॉव है वो क्या कहता है, माई हार्ट बीटिंग ऑफुली, माई मेडोज, माई आईब्रोज बोथ आर ट्विचिंग। यहाँ पे दोस्तों लुमॉव कहता है कि मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे अलग फील कर रहा हूँ, और जो मेरा हार्ट है वो भी बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा है, मेरे जो मीडोज हैं, मेरी जो आईब्रोज हैं, सारी फड़क रही हैं। बेसिकली वो अभी भी बहुत ज्यादा शॉक में है, उसको गंदा लग रहा है कि ये सारी चीजें उसके साथ क्या हो रही है। नताले उसको क्या कहती है, द मेडोज आर योर्स, यस योर्स, डू सिट डाउन, दे सेड वी वर रॉन्ग। देखिए यहाँ पे नताले कहते कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेडोज तुम्हारे ही हैं, हम इस बात पे अब और नहीं लड़ेंगे, अब तुम आराम से बैठ जाओ। और नताले दोबारा कहती है कि हम गलत थे। लुमॉव क्या कहता है कि आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, माई लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी बट द प्रिंसिपल। लुमॉव दोस्तों दोबारा से उसी बात को छेड़ रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो रूल के हिसाब से चल रहा था, वो जो लैंड है उसकी कोई कीमत मेरे लिए ज्यादा नहीं है, वो तुम ले सकती हो, पर यहाँ पे बात वही है कि मैं तो रूल के हिसाब से चल रहा था। नतालिया, द प्रिंसिपल, जस्ट सो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। दोस्तों यहाँ पे नताले कहते कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, तुम रूल के हिसाब से ही बात कर रहे थे, चलो अब छोड़ो, अब किसी और बारे में बात करते हैं। लुमॉव, द मोर सो आई हैव एविडेंस, माय आंट्स ग्रैंडमदर गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंडफादर्स पीजेंट्स। देखिए दोस्तों, यहां पे जो लुमॉव है वो दोबारा से अपनी रीजनिंग शुरू कर देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं एविडेंस भी शो कर सकता हूँ, मेरे जो आंट के ग्रैंडमदर थे, उन्होंने तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को, पीजेंट को, वो सब लैंड दी थी उधारी पे। वो सारी अपनी कहानी दोबारा शुरू कर रहा होता है कि नताला कहती है, यस यस, लेट द पास, कि हाँ मैं समझ गई हूँ, इस चीज को तुम छोड़ दो। अब दोस्तों नताला मन में क्या सोचती है, आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड। यहाँ पे नताला सोच रही है कि काश किसी तरीके से यहाँ पे जो लुमॉव है वो प्रपोजल की बात करना शुरू कर दे, और वो बोलती क्या है कि आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, कि क्या तुम शिकार पे कुछ दिन में जाने वाले हो। दोस्तों ये थोड़ा सा पुराना टाइम है, तो यहाँ पे लोग जंगल में जाके एनिमल्स का शिकार करते थे, तो इसीलिए नताला पूछ रही है कि लुमॉव, क्या तुम आने वाले दिनों में शिकार पर जाने वाले हो। लुमॉव क्या कहता है, आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक बॉक ऑन नताला स्टेपनोवा आफ्टर द हार्वेस्ट। यहाँ पे लुमॉव कहता है कि जैसे ही हमारी जो फसल है, जो क्रॉप है, वो कट जाएगी हार्वेस्टिंग के बाद, मैं सोच रहा हूँ कि जो ब्लैक बॉक है, मतलब कि दोस्तों किसी एनिमल को बात की गई है, किसी एनिमल की शूटिंग के लिए मैं जाने की सोच रहा हूं। Oh, have you heard? Just think, what a misfortune I've had. My dog, Guess, who you know, has gone lame. तो उससे यहाँ पे देखिए लुमॉव को कहता है कि अच्छा, क्या तुम्हें पता है? वैसे तुम्हें कैसे पता होगा? मैंने तुम्हें नहीं बताया। But जो मेरा dog है, dog का नाम क्या है? Guess. कि मेरा जो dog Guess है, वो lame हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा है। नताला क्या कहती है? What a pity. Why? क्यों? ये तो बहुत ही गलत बात हुई। तुम्हारा जो dog है, वो कमज़ोर क्यों होने लगा है? लुमॉव कहता है कि I don't know. Must have got his leg twisted or bitten by some other dog. Size. My very best dog.
dog, to say nothing of the expense, I gave Mironov 125 rubles for him. देखिए यहाँ पे लुमोव कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसा वो कमजोर क्यों होने लगा है। ऐसा लग रहा है कि या तो उसकी लेग ट्विस्ट हो गई है या फिर किसी और डॉग ने उसे काट लिया है। वो बहुत ही अच्छा कुत्ता है और साथ में पैसे की बात तो कुछ ही मत करो, मैंने तो मिरोनोव को सिर्फ 125 रूबल्स दिए थे उसको खरीदने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे उसके प्राइस की भी बात की जा रही है कि कैसे जो गेस्ट यहाँ पे लुमोव का डॉग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अब वो थोड़ा सा कमजोर होने लगा है और उसको बहुत ही सस्ते में खरीदा था। पर नताला क्या कहती है, इट वॉज टू मच इवान वसिलोविच, कहती कि ये तो बहुत ही ज्यादा तुमने पैसे दे दिए। लुमोव क्या कहता है, आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही चीप प्राइस है, ही इज अ फर्स्ट रेट डॉग, कि ये बेस्ट क्वालिटी का डॉग है। नताला देखिए क्या कहती है, पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीजर एंड स्क्वीजर इज हीप्स बेटर देन गेस। देखिए दोस्तों यहाँ पे नताला कहती है कि मेरे फादर ने तो हमारा जो डॉग है स्क्वीजर, मतलब कि दोस्तों गेस किसका डॉग है, गेस है लुमोव का डॉग और यहाँ पे नताला का डॉग का नाम है स्क्वीजर। तो नताला कहती है कि पापा ने 85 रूबल्स में स्क्वीजर को खरीदा था और जो स्क्वीजर है वो तुम्हारे डॉग गेस से तो कहीं ज्यादा बेटर है। अब दोस्तों यहाँ पे दोबारा लड़ाई हो सकती है। लुमोव का कहता है स्क्वीजर बेटर देन गेस, व्हाट एन आइडिया, लव्स स्क्वीजर बेटर देन गेस। दोस्तों यहाँ पे अब जो लुमोव है वो मजाक उड़ाने लगे कि अच्छा तुम्हें लगता है कि जो स्क्वीजर है वो मेरे गेस से बेटर है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब दोस्तों वो इस चीज का मजाक उड़ा रहा है। नताला, ऑफ कोर्स ही इज बेटर, ऑफ कोर्स स्क्वीजर इज यंग, ही मे डेवलप अ बिट बट ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री ही इज बेटर देन एनीथिंग दैट इवन वोल्केंस्की हैज गॉट। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नताला है वो कहती है कि ऑफ कोर्स मेरा जो स्क्वीजर है वो बहुत ज्यादा बेटर है, जो स्क्वीजर है वो यंग है, वो बड़ा भी होता है और उसकी जो पेडिग्री है मतलब उसका जो खाना है वो भी तुम्हारे डॉग से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट जो हमारी सोसाइटी में एक और फैमिली है दोस्तों वोल्केंस्की, उनका जो डॉग है उससे भी मेरा जो स्क्वीजर है वो बेटर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो नताला है वो अपने स्क्वीजर को सबसे अच्छा समझती है। लुमोव का कहता है, एक्सक्यूज मी नताला स्टेपनोवा, बट यू फॉरगॉट दैट ही इज ओवरशॉट एंड ही इज ओवरशॉट ऑलवेज मीन द डॉग इज अ बैड हंटर। दोस्तों यहां पे लुमोव अब फाइनली एक कमी बताता है कि तुम्हारा जो डॉग है वो तो ओवरशॉट है। दोस्तों ओवरशॉट का मतलब होता है किसी एक जॉ का छोटा होना दूसरे जॉ का बड़ा होना, तो इससे हंटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो लुमोव कहता है कि तुम्हारा जो डॉग है वो तो ओवरशॉट है और ओवरशॉट होने का मतलब है कि वो अच्छे तरीके से दूसरे एनिमल्स को हंट नहीं कर सकता है। नताला, ओवरशॉट इज ही The first time I hear, नताला कहती है कि ये बात तो मैंने पहली बार सुनी है, मेरा डॉग ओवरशॉट तो नहीं है। यहाँ पे लुमोव कहते हैं कि मैं तुम्हें एश्योर कर सकता हूँ कि तुम्हारा जो डॉग है स्क्वीजर उसका जो लोअर जॉ है वो अपर जॉ से छोटा है और इसीलिए ये अच्छा डॉग नहीं है। नताला, हैव यू मेजर्ड, नताला कहती है कि क्या तुमने उसके जॉ को सच में मेजर भी किया है। लुमोव कहता है यस ही इज ऑलराइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लुमोव है वो कहता है कि अगर तुम्हें डॉग को सिंपली अपने पीछे फॉलो कराना है तो वो ठीक है, बट अगर हंटिंग की बात आए तो स्क्वीजर कोई अच्छा डॉग नहीं है, उससे बेटर तो यहाँ पे लुमोव का डॉग गेस है। तो दोस्तों इसी बात पे लड़ाई यहाँ पे शुरू होने वाली है। नताला, इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्वीजर इज अ थोरोब्रेड एनिमल द सन ऑफ हार्नेस एंड चिल्सिस, व्हाइल देयर इज नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ योर डॉग एट ऑल, ही इज ओल्ड एंड एज अगली एज वॉर्न आउट कैब हॉर्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे नताला बहुत ही एग्रेसिव वे में कहती है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्क्वीजर है वो एक थोरोब्रेड एनिमल है, कि हमने उसको बहुत ज्यादा अच्छी डाइट दी है, वो हार्नेस और चिल्सिस, दोस्तों ये जो स्क्वीजर डॉग है उसके फादर मदर के नाम है, कि उसके जो पेरेंट्स हैं ये उसका बच्चा है और इसकी जो पेडिग्री है इसका जो खाना है ये तो सबसे ज्यादा अच्छा है। तुम्हारा जो डॉग है वो तो बहुत ज्यादा ओल्ड है और अगली भी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे नताला अपने डॉग की तारीफ कर रही है और गेस का यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है। लुमोव क्या कहता है, ही इज ओल्ड बट आई वोंट टेक 5 स्क्वीजर फॉर हिम। यहाँ पे लुमोव कहता है कि हाँ मेरा जो डॉग है गेस है वो थोड़ा ओल्ड तो है बट उसकी जगह पे मैं तुम्हारे जैसे 5 स्क्वीजर तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा। व्हाई, हाउ कैन यू, कि तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो, गेस इज अ डॉग एज फॉर स्क्वीजर वेल इट्स टू फनी टू आर्ग्यू। यहाँ पे लुमोव कहता है कि मेरा जो गेस है वो तो एक डॉग है, स्क्वीजर वो तो पता नहीं क्या है। मतलब कि दोस्तों अभी भी ब्लेम गेम दोबारा से शुरू हो गया है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। यू मे फाइंड देम अंडर एवरी बुश ऑलमोस्ट, वो कहता है कि स्क्वीजर जैसे डॉग तो गली में तुम्हें कहीं पर भी मिल जाएंगे। 25 रूबल्स वुड बी अ हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम, कि ऐसे किसी डॉग के लिए 85 क्या, 25 रूबल्स भी बहुत अच्छा प्राइस है, इससे ज्यादा तो इनकी कोई भी वर्थ नहीं है। नताला देखिए क्या कहती है, देयर इज सम डेमन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन यू टुडे इवान वसिलोविच, फर्स्ट यू प्रिटेंड दैट द मेडोज आर योर्स, नाउ गेस इज बेटर देन स्क्वीजर। यहाँ पे दोस्तों नताला कहती है कि आज तुम हर चीज में लड़ाई करने के मूड में आए हो ऐसा लगता है, पहले तुम हमारी लैंड को अपना बताते हो और अब कह रहे हो कि जो गेस है वो हमारे स्क्वीजर से बेटर है। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन बिकॉज यू नो परफेक्टली वेल दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम्स बेटर देन योर सिली गेस, व्हाट डू यू वांट टू से ही इजंट। यहाँ पे नताला कहते हैं कि मुझे ऐसे लोग बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं जो कि ऐसी बातें बोलते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, और वैसे भी जो स्क्वीजर है वो तुम्हारे गेस्ट से तो 100 टाइम्स बेटर है और तुम इस चीज को मना भी नहीं कर सकते हो।
यानी कि दोस्तों नताला अभी भी अपने टॉक को डिफेंड कर रही है, उसकी तारीफ करी जा रही है और गेस को गंदा मान रही है। Lomov says, I see Natalia Stepanova that you consider me either blind or a fool. You must realize that Squeezer is overshot. दोस्तों यहाँ पे Lomov दोबारा से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे कोई अंधा हूँ, बेवकूफ हूँ, तुम्हें ये चीज को रियलाइज करना चाहिए कि जो Squeezer है वो overshot है, वो hunting में अच्छा नहीं है। Natalia कहती है, it is not true. Lomov कहता है, he is, कि वो सच में overshot है। Natalia दोबारा कहती है कि ये बात तो सच नहीं है। Lomov, why shout madam? अब यहाँ पे Lomov कहता है कि तुम इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रही हो। Natalia, why talk rot? कि तुम यहाँ पे गंदी बातें क्यों कर रहे हो। It's awful. It's your guest was shot and you compare him with Squeezer. देखिए दोस्तों यहाँ पे नताला दोबारा से कहती है कि तुम इतनी गंदी बातें क्यों कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं है, जो Squeezer है वो कैसे कहीं ज्यादा बेटर है। Lomov क्या कहता है, एक्सक्यूज मी, आई कैनॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज पैल्पिलेटिंग। दोस्तों यहाँ पे Lomov कहते हैं कि मैं इस डिस्कशन को और आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरा यहाँ पे हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई है, मेरा दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा है, मैं इस कॉन्वर्सेशन को, इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। नताला सेज, आई हैव नोटिस दैट दोस हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे नताला कहती है कि जो हंटर्स ज्यादा कुछ हंट नहीं कर सकते वही ऐसी बातें करते हैं, तुम तो एक गंदे हंटर भी हो। Lomov, मैडम प्लीज बी साइलेंट, माय हार्ट इज गोइंग टू बी इन पीसेस, शाउट शट अप। दोस्तों यहां पे Lomov बहुत ही तेज से बोलते हैं कि अब तुम चुप हो जाओ, तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगी, बिल्कुल शट अप, मतलब कि चुप हो जाओ। Natalia says, I shall not shut up until you acknowledge that Squeezer is 100 times better than your guess. दोस्तों यहां पे Natalia कहती है कि मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक तुम ये नहीं कह देते कि जो Squeezer है वो guess से 100 times better है। पर Lomov दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा। Lomov क्या कहता है, 100 times worse, कि यहां पे जो Squeezer है वो guess से 100 times और गंदा है, बल्कि be hanged to your Squeezer, his head, eyes, shoulder. दोस्तों यहां पे Lomov कहते हैं कि तुम्हारे जो भी डॉग है उसकी सारी चीजें बेकार हैं, चाहे वो हेड हो, आईज हो, शोल्डर हो, कुछ भी हो, सारी चीजें बेकार हैं, मतलब कि Squeezer तो एक बहुत ही गंदा डॉग है। Natalia क्या कहती है, there's no need to hang your silly guess, he's half dead already. दोस्तों यहां पे Natalia कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, अपने डॉग को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो डॉग है वो तो ऑलरेडी आधा मर चुका है। Lomov weeps, shut up, my heart is bursting. यहां पे जो Lomov है वो दोस्तों थोड़ा सा रोने लग जाता है, वो कहता है कि अब मेरा हार्ट बिल्कुल यहां पे बर्स्ट होने वाला है, मैं और बात तुमसे नहीं कर सकता। Natalia कहती है कि आई शैल नॉट शट अप, कि मैं तो चुप बिल्कुल भी नहीं हूं। तो देखा दोस्तों आपने, अब यहाँ पे Natalia और Lomov के बीच में दोबारा से लड़ाई हो गई है, और इस बार दोस्तों टॉपिक एक बिल्कुल डिफरेंट है, ये दोनों अपने डॉग को डिफेंड कर रहे हैं, दोनों अपने डॉग को बेस्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो यानी कि दोस्तों पहले लड़ाई हुई एक लैंड के पीस के ऊपर, अब लड़ाई हुई है यहाँ पे डॉग के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों प्रपोजल की बात तो हमेशा रह जाती है, अब इसी चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि फाइनली दोस्तों जो प्रपोजल है उसका होता क्या है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, पैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।